आप क्वेश्चन नंबर 13 मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर ए 0 2 बी 4 और 5 है और सी 6 और 3 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दिस इक्वेशन. ये जो हमारे पास सॉरी ये जो पॉइंट्स है उसका हम ग्राफ खींच लेंगे और यहाँ पर हमारे पास है 2 और 0. पहले पॉइंट ले लीजिए आप 1 2 3 4 सारे के सारे पॉइंट आपके पास लास्ट 6 तक है यहाँ पर. तो 4 और 5 और ये है आपके पास 6. ओके तो यहाँ एक्स के पॉइंट आपके पास है, वाई के पॉइंट मोस्टली 5 तक जा रहे हैं. तो 1 2 3 एंड 4 फाइनली 5. नेगेटिव पॉइंट तो कोई है नहीं. तो ए आपके पास 2 और 0 है, यहां पर ब्रदर आपका ए आ गया है और ए कितना है 2 एंड 0. और आपके पास फिर बी है 4 एंड 5. तो 4 ये रहा आपके पास और 5 ये है. आप इस इक्वेशन को इधर को लेके आइए और इसको ऊपर ले जाइए, ये आपके पास पॉइंट आ गया है 4 एंड 5 ऑप्शन आ चुका है. और जो आपके पास अगला पॉइंट है फाइनल वो है 6 एंड 3. 6 यहां पर है, 3 ये हो गया और 6 ये आपके पास सी पॉइंट है 6 एंड 3 और ये पॉइंट है आपके पास 4 एंड 5. आप इन तीनों पॉइंटों को मिला लीजिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है. इस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगी. तो पहले ए बी की इक्वेशन के लिए आप समझिए इक्वेशन ऑफ ए बी. तो हम यहां पर पहले सबकी इक्वेशन निकालेंगे, ए बी की फिर बी सी की और सी ए. सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ ए बी. ए बी की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, ए बी की इक्वेशन आप बनाएंगे यहां पे एक पॉइंट मान लीजिए अपने दिमाग में एक्स वाई मान लीजिए. तो जो स्लोप यहां से इन दोनों पॉइंटों से होगा वही स्लोप इस पॉइंट का भी होगा. तो हमारे पास है यहां पे एक्स है और एक्स वाई एक पॉइंट है. तो y माइनस वाई टू, वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू और यहां से लीजिए 5 माइनस 0 और अपॉन 4 माइनस 2. तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, आपके पास ऑप्शन आ गया है y अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 5 अपॉन 2. ये वाला ऑप्शन आ चुका है. ओके तो अब आप क्या करेंगे कि y क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस बॉक्स को उधर लेके जाइए. तो ये हो गया एक्स माइनस टू. ए बी की तो इक्वेशन निकल चुकी है, अब आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है बी सी की. तो इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी की इक्वेशन निकालने के लिए भी आप क्या कीजिए सेम प्रोसेस है. बी सी की इक्वेशन निकालने के लिए आप यहां पर एक एक्स और वाई मान ली, वही वाला वे है. तो वाई माइनस थ्री, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है वाई माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड 4 माइनस 6. तो ये आपके पास हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 और यहां से जब आप माइनस करेंगे 5 में से 3 2 अपॉन माइनस के यहां पर आपके पास 2 हो गया है. तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 यहां पे रह चुका है. तो y माइनस 3 आपके पास क्या होगा माइनस x माइनस 6, ये पूरा आप उधर ले गए ना बॉक्स. और आपके पास y क्या हो जाएगा, y आप उधर ले जाइए. तो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए वो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए माइनस एक्स प्लस 6, तो ऑप्शन क्या बेटा माइनस 3 को अब इधर लेके आना, माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा. तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस 9. ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट. ऐसे अब हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, थर्ड इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ, अब हमें लाइन सी ए की इक्वेशन फाइंड करनी है और सी ए की इक्वेशन क्या होगी. सी ए की इक्वेशन निकालने के लिए आप फिर से यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए. तो आपके पास ऑप्शन हो गया है एक्स माइनस जीरो सॉरी वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 माइनस 0 एंड 6 माइनस 2. तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बैठेगी, देखिए वाई अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 अपॉन 6 में से 2 गए 4. तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 3 अपॉन 4 और यहां पे आ जाएगा x माइनस 2. ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है. तो आपको ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और सी ए की इक्वेशन. तो जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है ये लाइन की, इन्हें तो हम प्लस करेंगे और इसमें से इस लाइन की इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसका पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट हमारे पास है पहले लिमिट है
टू से फोर, फिर फोर से सिक्स है। बात समझ में आ रही है? तो हम इन तीनों इक्वेशंस को लेंगे और तीनों इक्वेशंस के साथ वर्क करेंगे। तो प्लानिंग हमारी बन चुकी है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो देखिए, पहले आप लेंगे कि इक्वेशन ले लीजिए, आपने इक्वेशन ली कहां से और इसकी लिमिट कहां से रहेगी, इसकी लिमिट है टू टू फोर, ये टू है, ये फोर, और फाइव बाई टू मैं बाहर ले चुका हूं और आपके पास आ गया एक्स माइनस टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें प्लस कर दूंगा कौन सी वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं यहां पर प्लस करूंगा। अब देखिए, तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ गई है प्लस, और इसके लिए ये आ गया है लिमिट होगी फोर से सिक्स, फोर टू सिक्स, और इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस नाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फाइनली जो लास्ट लाइन है सी ए वाली, इसको मैं यहां से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो इसके इक्वेशन मेरे पास कहा है, ये नहीं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 अपॉन 4 मैंने बाहर ले लिया है, और इसकी लिमिट रहेगी 2 टू 6, और ये है मेरे पास x माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इजिली हम अपनी प्लानिंग को यहां पर बना चुके हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसका इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर आपके पास है 5 बाई 2, और ये आपके पास कितना आ गया, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और इसके साथ आपको ऑप्शन लेके चलना है, लिमिट है 2 और 4, प्लस आपके पास ये कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x, और इसके लिए लिमिट है 6 एंड 4 माइनस 3 अपॉन 4, और यहां पर आपके पास कितना आ गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और इसके लिए लिमिट है 6 और 2, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 5 बाई 2, पहले आपने यहां पे 4 पुट करा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को आपने 2 से काटा, आपके पास कितना ऑप्शन आ गया 8, माइनस 4 2 जा 8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 रखने से तो ये 0 हो गया। अब उसके बाद यहां पर माइनस, अब 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को यहां पे हमने काटा, 2 का स्क्वायर यहां पे रखा 4, और 4 को हमने 2 से कट करा तो आ गया 2 माइनस 4 प्लस, यहां पर अब आप पहले 6 रखिए, 6 का स्क्वायर हमने रखा यहां पर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को 2 से कट करा माइनस 18, तो माइनस 18, और यहां पर हमने 6 रखा तो 54, और फिर माइनस हमने यहां 4 रखा इधर, तो हमारे पास कितना ऑप्शन हो गया माइनस के 16, और माइनस के 16 को 2 से आप जब कट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस 8, और 4 यहां रखा तो आपके पास हो गया है 36, और फिर ये बॉक्स क्लोज माइनस 3 अपॉन 4। अब आप यहां पर थर्ड बॉक्स पे आ चुके हैं, और थर्ड बॉक्स के लिए रखिए, तो पहले आपने यहां 6 रखा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को आप 2 से कट करिए, 36 को जब आपने 2 से कट करा 18, और यहां पे 6 रखिए, 6 टू द 12, 18 में से 12 गए, ये आपके पास 6 आ गए। जब आपने यहां पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को आप 2 से कट करिए, यहां 2 आ गया है, और माइनस यहां पे आपने 2 रखा तो 2 टू जा 4, ये आपके पास कैलकुलेशन है, सारी की सारी इजी कैलकुलेशन है, 5 अपॉन 2, और यहां हमारे पास 4 में से 2 गए तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपके पास बाहर प्लस के 2 है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहां पे आप माइनस कर लीजिए, 14 में से 8 गया तो आपके पास 6 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3, 36 यहां आ गया, और 36 में से आप 8, तो 16 में से 8 गए, आपके पास 8 हो गया है, और 2 यहां पे 28, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, माइनस 3 अपॉन 4 यहां पर आप सोल्व कीजिए, ये आपके पास है 4 में से 2 जाएगा माइनस 2, माइनस 2 और माइनस प्लस, प्लस 2 6 और प्लस 2 8 हो गया, अब 4 2 जा 8, तो आपके पास कितना हो गया है, यहां तो आया है 5, और यहां पर आपके पास 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा, आप कैरिंग ले लेंगे ना, तो ये आपके पास हो गया है प्लस 8, और यहां पर माइनस आपके पास है 3 टू जा 6, तो आप इसको सोल्व करिए, 8 और 5 13, 13 में से आपके पास जब 6 आएंगे तो ये आपके पास हो गया 7 यूनिट, दैट्स द रिक्वायर्ड एरिया। Hope you enjoyed this video very much. I use very simple technique in this question. If you like my video, if you like, please like and subscribe my channel. Thank you.